बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरमद हसन। आज की वीडियो का लेक्चर है एक्सपीरियंस। जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखता है, हाथ हिलाना सीखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ुबान पर मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। जब माँ बाप उसको बोलना सिखाते हैं, मुख्तलिफ माशरे में वो चीज़ें सीखता है, लर्निंग प्रोसीजर्स का स्टार्ट हो जाता है, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब ज़िंदगी में पड़ा होता है, ग्रोथ की तरफ जाता है, तो मुख्तलिफ तजर्बात करता है। वो जब चलने के लिए अपना वज़न डालता है अपने पाँवों पर, तो उसके पाँव पर इतना वज़न नहीं होता, क्योंकि जाहिर बात है जब बच्चा छोटा होता है तो उस तरह से उसके पाँव पर वज़न नहीं आता, तो वो भी एक एक्सपीरियंस होता है बच्चे का। इसी तरह जब एक टीचिंग फील्ड में कोई टीचर जाते हैं, एक स्टूडेंट जब टीचिंग फील्ड में जाता है, तो उसके लिए वो भी एक नया एक्सपीरियंस होता है उस के वो जब एक क्लास में जाते हैं, वहाँ पे 100-150 स्टूडेंट्स होते हैं, या 70-80 बच्चे होते हैं, या 20-25 बच्चे अगर स्कूल लेवल पे हों। फिर इसी तरह एक डॉक्टर है, जब वो अपनी बायो पढ़ रहा होता है, 9th-10th में मेडिकल कर रहा होता है, उसके बाद जनाब वो FSC करता है, फिर वो मेडिकल में एडमिशन लेता है, फिर वो डॉक्टर बन जाता है। 5 साल का जब उसका कंप्लीट होता है मेडिकल, उसके बाद जनाब उसकी पेशेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन होता है, पेशेंट्स को चेकअप होता है। तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ तजुर्बात इंसान के ऐसे होते हैं जो कि बहुत कामयाब होते हैं। आप देख लें, आइंस्टाइन बल्ब इजाद किया, 9999 मरतबा नाकाम हुआ, 10,000 मरतबा कामयाब हुआ। कितना बड़ा तजुर्बा है बल्ब इजाद करना। उसकी दूसरी तरफ आप स्टीवन हॉकिंग की मिसाल ले लें, वीरचा ईजाद की, कितनी नाकामियाँ उसको हुई होंगी। इसी तरह अमेरिका सुपर पावर बना, ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्कों में भी आता है अमेरिका जो है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है, सुपर पावर इतनी शानदार है, कितने उनको नाकामियाँ हुई होंगी, कितने तजर्बों के बाद वो कामयाब हुए हैं। तो ये ऐसे तजर्बात जो है ना, इंसान की ज़िंदगी को हसीन भी बनाते हैं और गमगीन भी होते हैं। फिर आप कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे देख लें जो कि इंसान को फिर उठने नहीं देते, और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान जो है वो एक मतलब फिर खड़ा हो जाता है और एक मजबूत इंसान बन जाता है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये इंसान को करने चाहिए। आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं करते, अपनी तफरी के लिए करते हैं। तो टेक्नोलॉजी को बिना एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करें, और अपने ऐसे एक्सपीरियंस करें जो कि आपके लिए अच्छे हों, ना कि बुरे हों। बुरे एक्सपीरियंस भी लाइफ का पार्ट है, वो भी करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर दें नए आने वाले लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाएँ, और कॉमेंट करके अपने प्यारे प्यारे नाम लिखें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।